सो गाइज फाइनली मैं पहुंच गया हूँ धूलीखेल। सो गाइज अब मैं काठमांडू को बाय करने वाला हूँ। यहाँ से बर्दीवास 155 किलोमीटर। चढ़ जाएगा। सो भाई साहब हो गया हूँ मैं रेडी। काठमांडू को बाय करने वाला हूँ थोड़े ही समय में। ये लास्ट काठमांडू मार्केट है, 10-15 मिनट और चलना होगा काठमांडू बाज़ार। इसके बाद मैं यहाँ से निकल लूँगा आगे के रास्तों पे। तब तक देख लो आप यहाँ का ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक ये काठमांडू में। यहाँ से अब शहर छोड़ने वाला हूँ मैं, काठमांडू को बाय बाय बोल देता हूँ। सो बाय काठमांडू। शहर से तो मैं निकल गया हूँ, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा निकलने के लिए मेरे को। बहुत ट्रैफिक है बाबा, बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक है, वो भी दोपहर के 1:30 बजे। यहाँ 1 बजे मैं निकला था, अभी टाइम हो गया है 2 बज गया है। सोच लो आप कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, 1 घंटा ट्रैफिक में मैं रहा फंसे हुए। बट कोई नहीं, निकल गए हैं फाइनली। अब 2 बजने को है, 2 बजे से लेकर 6-7 बजे तक चलेंगे ना आराम से। तो 7 बजे तक ड्राइव करूँगा, उसके बाद फिर बंद कर दूँगा आज भी। तो बस अभी भी वही हालत है। तो बाचा मारी बस स्टॉप के पास मैं पहुंच गया हूं। ये देख लो बाचा मारी बस स्टॉप। तो मैं आगे बढ़ते बढ़ते इसी के साथ धीरे धीरे बढ़ते हुए मैं पहुंच गया हूं बनेपा। और ये बनेपा का शहर देख लो, मैं बनेपा में चल रहा हूं फिलहाल भाई। तो बनेपा काठमांडू से हार्डली बहुत तो 10 से 15 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेंड हो गया क्योंकि रोड भी थोड़ा सा उधर काम चल रहा है रोड में, और ट्रैफिक भी ज़्यादा काठमांडू में था। तो इसके लिए मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा देर है, बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्टेंस 10 से 15 किलोमीटर है। और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों के साथ अगर आप बनेपा में जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको वेलकम होगा सबसे पहले टूटे हुए रोडों से, क्योंकि अभी रोड यहाँ में रोड में भी काम चल रहा है यहाँ भी। तो उसी के साथ और आगे बढ़ोगे जैसे ही तो आप देख सकते हैं ये भी ब्राउन ब्राउन एकदम ओल्डेज बिल्डिंग है, मतलब पुराना शहर है ये। जो होता है ना स्मार्ट सिटी नया वाला, वो नहीं है, ओल्ड सिटी। आप दोनों साइड में देख सकते हैं बिल्डिंग का नज़ारा, बहुत पुराना पुराना बिल्डिंग्स। और मार्केट है अच्छा खासा यहाँ पे। ये देखो बनेपा फ्रूट शॉप, फ्रूट का मार्केट है इधर, एंड इधर वो सैनिटरी सब, मतलब टोटल एक होता है ना एक बड़ा सा मार्केट है। आप यहाँ के रोज़मर्रे का सामान से लेकर के डेली यूज डेली वेस पे जो भी सामान चाहिए वो मतलब A to Z। सो गाइज फाइनली मैं पहुँच गया हूँ धूलीखेल। और धूलीखेल काठमांडू से ज़्यादा देर नहीं लगा, 1 घंटा लगा। सिंधुली बर्दीवास राइट साइड, यहाँ से राइट टर्न लेते हैं और चलते हैं बर्दीवास वाले रूट में। ये है धूलीखेल बाबा, धूलीखेल देख सकते हैं। बस 155 किलोमीटर है और 155 किलोमीटर अब सफ़र करने में अब जितना टाइम लगेगा
जैसे ही शाम होगा मैं उधर ही रुक लूँगा, इधर अवेलेबल होता है होम स्टे एंड रूम सेवा, ये सब सब कुछ अवेलेबल है, टाइम टू टाइम मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं मैं धूली खेल से बढ़ के आगे निकला हूँ, तो बर्दीवास के रास्तों में हूँ। यहाँ से बर्दीवास 155 किलोमीटर और 155 किलोमीटर में जाते हुए 155 किलोमीटर का जो राइड है ना, उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि ये भी रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ भी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जिधर शाम होएगा उधर ही सवेरा करूँगा, ये एक फॉर्मूला है मेरा। तो चलते हैं। वकुंडवेशी, ये देखो यहाँ पे पानी वानी के लिए रुका हूँ, पानी पीने के लिए। और इसी के साथ एक यहाँ पे देख सकते हैं ये हैंगिंग ब्रिज, यहाँ से ऐसे नीचे से जा कर के और उस साइड जाने के लिए है। कितना मतलब माइंड से बनाया गया है ये नदी। ये नदी है सुनकोसी, और यहाँ से ऐसे ये नदी निकल गया इधर से, और ये हैंगिंग ब्रिज फॉर द ह्यूमन, ओनली ह्यूमन नॉट व्हीकल्स। और यहाँ से आप जा सकते हैं, दिख सकता है आपको, बहुत नीचे है, काफ़ी गहरा में है, लेकिन यहाँ से दिखाई दे रहा है मेरे को प्रॉपर, आपको भी दिखाई देना चाहिए, कैमरा को दिख रहा होगा। तो ये देख सकते हैं नदी, और ये यहाँ जहाँ पे मैं रुका हूँ, खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं यहाँ का। ये मेरा बाइक का कंडीशन ख़राब हो गया है भाई। चलो अब कुछ नहीं, थोड़ा सा और है, इसको वॉश करवा देंगे कुछ देर के बाद। तब तक मैं इधर रुकता हूँ, थोड़ा पानी वानी पीता हूँ। सो गाइस, मैं अभी फ़िलहाल भूरकुंडे से 3 से 4 किलोमीटर पीछे हूँ, और अभी थोड़ा पानी वानी के लिए रुका था, और अभी चल रहा हूँ रास्तों में, जहाँ तक लगता है कि चलने लायक है। नाइट जब तक नहीं होता तब तक मैं राइड करूँगा, ताकि मेरा डिस्टेंस जो मैं सेट किया हूँ वो कम जाए। और काफ़ी डस्ट हो गया है मेरा बॉडी में, 5-6 दिन से ये जैकेट धुला नहीं है, उतना टाइम कहीं दिया नहीं, मैं 1 से 2 दिन टाइम कभी दिया नहीं, तो इसके लिए सूखेगा कैसे। तो चलते हैं भूरकुंडे से, भूरकुंडे मार्केट को बीट करते हुए और आगे चला जाऊँगा धीरे धीरे। तो बर्दीवास मेरा लास्ट होगा, बर्दीवास से जनकपुर जयनगर बॉर्डर से मैं इंडिया में एंटर कर जाऊंगा। तब तक कि अभी मैं फ़िलहाल जिस जगह पे हूँ, ये भूरकुंडे से 3 किलोमीटर पीछे हूँ, ऐसे ही एक मतलब प्रॉपर लोकेशन का नाम नहीं पता मेरे को, बस ऐसे ही खाली स्थान देख के रुक गया हूँ। सो इस जगह का आप नज़ारा थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ।